इंडियन गवर्नमेंट स्कूल की दो सबसे बेहतरीन चेन नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय में से कौन सा बेहतर है, ये आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और ये है सौरभ अग्रवाल सर। हेलो। आज हम आपको नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय में डिफरेंस समझाएंगे। मैं नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा और सौरभ सर केंद्र विद्यालय के बारे में। अगर एस्टेब्लिशमेंट पर्पस की बात की जाए तो नवोदय विद्यालय को बनाया गया था रूरल यानी कि पिछड़े इलाकों के लिए, प्लस गरीब और पुअर बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए। वहीं अगर अपन केंद्र विद्यालय की बात करें तो केंद्र विद्यालय को बनाने का मेन पर्पस था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंप्लॉयज हैं उनके बच्चों को एजुकेशन मिल सके। अगर बोर्ड की बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड कंपलसरी होता है नवोदय विद्यालय। वहीं केंद्र विद्यालय भी सीबीएसई को ही पूरा फॉलो करता है। नंबर ऑफ स्कूल्स में आप देखेंगे तो सैनिक स्कूल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है पर केंद्र विद्यालय के कंपैरिजन में कम है। टोटल नंबर ऑफ नवोदय विद्यालय 650 प्लस है। वहीं अगर केंद्र विद्यालय की बात करें तो आपको ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे इंडिया में सबसे बिगेस्ट गवर्नमेंट चेन जो है वो है केंद्र विद्यालय की, विथ 1200 प्लस स्कूल्स इन इंडिया। अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो नवोदय विद्यालय का एडमिशन क्राइटेरिया एक एग्जाम के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कॉलरशिप टेस्ट, और इस टेस्ट के थ्रू बच्चे क्लास 6 या क्लास 9 में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर केंद्र विद्यालय की बात की जाए तो पूरे नेशनल लेवल पर कोई भी एग्जाम नहीं होती है। क्लास 1 में जो बच्चों का एडमिशन होता है वो नॉर्मल सीट सिस्टम पर होता है और उसके बाद जो बाकी क्लासेस हैं वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से एडमिशन लिए जाते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि जो नवोदय विद्यालय है उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था पिछड़े इलाकों को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। इसीलिए जब भी आप नवोदय विद्यालय का लोकेशन देखेंगे तो वो जनरली आपको रूरल एरियाज में ही देखने को मिलेगा। वहीं केंद्र विद्यालय की बात करें तो जनरली आपको वो जितने भी केंद्र विद्यालय हैं वो आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेंगे। टाइप ऑफ स्कूल अगर बोले कि वो डे डे स्कॉलर के लिए ही या बोर्डिंग है यानी कि हॉस्टल में रहना है, तो नवोदय विद्यालय में कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा यानी कि बोर्डिंग स्कूल है नवोदय विद्यालय। वहीं केंद्र विद्यालय में कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में रहना है, क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केंद्र विद्यालय में हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ये सैनिक स्कूल से काफी डिफरेंट है। सैनिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है पर नवोदय विद्यालय में इंग्लिश और हिंदी की दोनों की अवेलेबिलिटी दी जाती है। वहीं केंद्र विद्यालय में भी दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की अवेलेबिलिटी है। फैसिलिटीज में आप देखेंगे तो काफी एक्सटेंसिव फैसिलिटी आपको नवोदय विद्यालय में मिलता है। काफी बड़ा कैंपस होता है उनका, हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, उनका जो एकेडमिक बिल्डिंग होता है वो काफी अच्छा होता है, मेस काफी अच्छा होता है, तो ओवरऑल फैसिलिटीज काफी ए ग्रेड की मिलती है आपको नवोदय विद्यालय में। सेम जैसे कि केंद्र विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जिस तरीके की फैसिलिटीज आपको नवोदय विद्यालय में मिल रही है सेम उसी तरीके की फैसिलिटीज आपको केंद्र विद्यालय में भी मिलेंगी। टीचर्स के सिलेक्शन की बात की जाए तो टीचर्स का सिलेक्शन काफी टफ एग्जाम के थ्रू होता है। टीचर्स को ऑल इंडिया में नेशनल लेवल पे एग्जाम कराया जाता है जिसमें टीचर्स को वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद ही टीचर नवोदय विद्यालय में आके पढ़ा सकते हैं। प्लस उनको गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बीएड वगैरह कंपलसरी होता है, ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। जैसा कि सर ने बताया केंद्र विद्यालय में और नवोदय में दोनों गवर्नमेंट स्कूल हैं तो दोनों में जो टीचर्स का जो हायरिंग प्रोसेस है वो सेम रहता है। एजुकेशनल फोकस की बात की जाए तो थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में और स्पेशली केंद्र विद्यालय में। अगर हम नवोदय की बात करें तो नवोदय में लीडरशिप पे, वैल्यूज पे काफी फोकस किया जाता है, प्लस उनके एकेडमिक्स पे भी काफी फोकस किया जाता है। साथ ही साथ में कोशिश की जाती है कि जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में और अर्बन स्टूडेंट्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन ना बन पाए उसके लिए भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है एजुकेशन में नवोदय विद्यालय के द्वारा। वहीं अगर अपन केंद्र विद्यालय की बात करें तो एकेडमिक्स में तो पूरा फोकस किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, ड्रामा है, डांस है, इन सारी चीजों में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नवोदय विद्यालय में काफी इंटरेस्टिंग फीस स्ट्रक्चर है क्योंकि नवोदय में ज्यादातर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हॉस्टल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बस थोड़ी सी डिफरेंस ये होती है कि ST SC और गर्ल्स के लिए सब कुछ फ्री है और जो जनरल और ओबीसी बॉयज हैं उनके लिए 200 रुपीज पर मंथ का फीस उनको देना पड़ता है ओवरऑल,
बाकी हॉस्टल से लेकर खाने पीने की सारी फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर मैं आपको केंद्र विद्यालय के बारे में बताऊं तो वो फ्री स्कूल नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है केंद्र विद्यालय में। और जितने भी प्राइवेट स्कूल से आप कंपेयर करेंगे वहां की बहुत उसके हिसाब से बहुत नॉमिनल फीस में आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। सरकार जो है वो कैसा भी काम करे, खराब या अच्छा, ये हमेशा होता आया है। बीजेपी कांग्रेस सबने खराब काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, ये जो नवोदय का चेन और केंद्रीय विद्यालय का चेन किया है ये एक नंबर रेवोल्यूशनरी काम किया है। क्योंकि आप अगर आप देखेंगे नवोदय और केंद्र विद्यालय को मिलाकर के तो 1800 स्कूल इंडिया में खुले हैं, जिनका पर्पज इतना नेक पर्पज है पूरे इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना रूरल एरिया में गरीब लोगों को, पिछड़ा इलाकों में एजुकेशन बढ़ाना, क्योंकि ये एजुकेशन ही है जो अपन को पूरे इंडिया को विश्व गुरु बना सकता है। तो अगर आप भी नवोदय या फिर केंद्र विद्यालय से पढ़े हैं तो ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अपन गवर्नमेंट की नेगेटिव चीजों को हटा करके उन चीजों में फोकस करें जो सच में बदलाव ला रही है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।